<coughs> सर वॉइस चेक कर रहा सर हेलो दोस्तों लक्ष्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों लक्ष्य क्लासेस मेवाड़ सिट मेवाड़ में पूरे मेवाड़ की धरा पर शिक्षा का सिरमौर है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रीट और रीट की इंग्लिश की ये आपको निःशुल्क क्लासेस मिल रही हैं पूरी तरह से और दोस्तों खास बात इसमें क्या है कि क्वेश्चंस तो है ही क्विज तो है ही प्लस इसमें कॉन्टेंट भी आप लोगों को मिल रहा है बिल्कुल सभी दोस्तों को सर एक बार आ, कमेंट बड़ा करके दिखा दीजिए सभी को गुड इवनिंग नमस्कार प्रणाम बंधु राधे राधे जय श्री श्याम जय श्री राम ओके okay, दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक आज सोनेट है फटाफट अपने दोस्तों में इसकी चर्चा कर दीजिए जितने भी लोग हैं पढ़ रहे हैं सर एक बार लाइव दिखाना कितने हैं ओके okay, ये जितने भी बिल्कुल बिल्कुल सभी पूरन जी गुड इवनिंग नमस्कार सभी बंधुओं को फटाफट फटाफट जुड़ जाओ तो दोस्तों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सोनेट उस कठिन टॉपिक से आप लोगों का छुटकारा हो गया आप आराम से तैयारी करो आप मस्त बढ़िया आप लोगों को आनंद आएगा कपिल जी गुड इवनिंग बिल्कुल Uh, सभी को नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं आज का टॉपिक रहेगा हमारा सोनेट कौन सा रहेगा आज हम पढ़ेंगे सोनेट कौन सा वर्ड सुनेंगे भैया सोनेट सुनेंगे आप और सोनेट क्या होता है मैं बिल्कुल एक एक चीज को एक एक स्टेप को आपको बढ़िया तरीके से बताता हुआ चलूंगा तो जिन भी बच्चों को कोई डाउट हो तो तुरंत क्वेश्चन मार्क भेज देना आप लोगों के डाउट को क्लियर कर देंगे और अगर कोई आपका सवाल बनता है इसके अंदर से पहले मैं पूरा टॉपिक पढ़ा लेने देना मुझे किसी चीज को लेकर के फिर अपन जब भी कोई क्वेश्चन आपका बने तो मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बिल्कुल गुड इवनिंग ज्योति जी बिल्कुल मेरे नियमित विद्यार्थी तो आई गए हैं बाकी का अनियमित भी धीरे धीरे आई जाएंगे चलो अपन शुरू करते हैं सोनेट से देखिए अगर आप अगर किसी के दिमाग में आइडिया हो सोनेट को लेकर के तो सोनेट क्या है सोनेट क्या है मेरे दोस्तों कोई बताएगा सोनेट की अगर हम बात करें तो सोनेट है क्या सोनेट आप जानते हैं बताइए क्या होगा सोनेट सभी बताइए सोनेट क्या है सोनेट क्या है इस शॉर्ट पॉइंट में एक छोटी सी कविता है इस शॉर्ट पॉइंट में दूसरी बात नॉन नैरेटिव पॉइंट कह दो आप इसे कि न, इसको का, कहानी वाली पॉइंट नहीं है नॉन नैरेटिव पॉइंट कह दो एक शॉर्ट पॉइंट है और ये कितनी लाइंस uh, की पॉइंट है जनरली ऑफ फोर्टीन लाइंस ऑफ फोर्टीन कि यानी चौदह पंक्तियों की जो कविता है मात्र चौदह पंक्तियां होती है इसके अंदर चौदह पंक्तियां होती है वो कविता क्या कहलाती है आपकी सोनेट कहलाती है सोनेट को अपन हिंदी में चतुष्पदीय कविता कहते हैं क्या कहते हैं चतुष्पदीय कविता ये कविता है लेवल सेकंड बिल्कुल सर बता देंगे आपको देखिए चतुष्पदीय कविता की मैं बात कर रहा हूं कि जो सोनेट है उसको अपन क्या कहेंगे सोनेट को अपन बोलते हैं चतुष्पदीय कविता क्या बोलते हैं चतुष्पदीय कविता क्यों बोलते हैं सर चतुष्पदीय कविता बात आई सर क्यों बोलते हैं वाई डू वी कॉल इट फोर्टीन लाइन पॉइंट बिकॉज इट हैज 14 लाइंस क्योंकि इसके अंदर जनरली 14 लाइंस होती है मैं या मोस्टली मोस्टली कह दो 14 लाइंस होती है तो सर क्या कभी ऐसा होता है कि किसी पॉइंट में 14 लाइंस ना हो बिल्कुल ऐसा है एक सोनेट ऐसा है जिसके अंदर 14 लाइंस नहीं होती है वो है कर्टिल सोनेट कौन सा सोनेट है वो कर्टेल सोनेट है जिसके अंदर 14 लाइंस नहीं होती है इसको कर्टेल कहते हैं छोटा टोटल देखा जाए तो साढ़े दस लाइन्स होती हैं साढ़े दस मतलब लगभग ग्यारह लाइंस होती हैं लगभग ग्यारह लाइंस होती हैं मतलब लास्ट की लाइन जो होती है दस के बाद ग्यारहवीं लाइन जो होती है वो आधी होती है क्या होती है दोस्तों आधी लाइन होती है मतलब टोटल मतलब अगर हम देखें अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सोनेट क्या होता है तो आपके दिमाग में सीधा एक ही चीज जाएगी कि चौदह पंक्तियों की जो कविता होती है वो क्या होती है मेरे बच्चों सोनेट होती है लेकिन अगर आपसे कोई यहाँ आप पूछे कि चलो ये बताओ कि यार सोनेट भी छोटा भी हो सकता है क्या आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकता है कौन सा कटिल सोनेट छोटा हो सकता है और कटिल सोनेट की कितनी लाइन होती है साढ़े सर ये कटिल सोनेट लिखा लिखा किसने था दरअसल कटिल सोनेट मतलब जो छोटा सोनेट था उसको लिखा था भाई साहब ग्राड ग्राड मेनली हॉपकिंस हॉपकिंस जी ई आर ए डी मेनले ने लिखा था ग्राड मेनले हॉपकिंस और इसने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम था भैया ग्राड मेनले हॉपकिंस इसके तरीके से नोट्स बनाएंगे अपन अभी रुक जाओ पहले थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोगों के दिमाग में सेट करना चाह रहा हूं कि ग्राड मेनले हॉपकिंस ने एक सोनेट लिखा था जिसका नाम था पाइट ब्यूटी क्या था पाइड ब्यूटी और उसमें जो लिखा था ये तो उस सोनेट की क्या है ये कटिल सोनेट कहा क्यों क्योंकि उसके अंदर क्या थी भैया उसके अंदर टोटल साढ़े दस लाइन्स थी सर सोनेट की क्या विशेषताएं होती होंगी सोनेट क्या होता होगा सोनेट का ओरिजिन कैसे हुआ सोनेट का मतलब कैसे निकला तो मैं सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं लेकिन दोस्तों सोनेट कितने प्रकार का होता है जब बात आएगी तो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन के निकल के आएंगे आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि, कि किस तरीके के प्रश्न बनेंगे हम कौन का रिप्लाई कैसे करना है सारी चीजों को बिल्कुल अब अपन एक एक चीज के नोट्स बनाएंगे ध्यान से सुनना ना तो अपन सबसे पहले बात करेंगे भैया सोनेट की ओरिजिन पर यह सोनेट क्या है देखो अभी अभी बताया था आप लोगों को सोनेट जो शब्द है सोनेट शब्द है सोनेट शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन वर्ड से हुई है किससे हुई है इटालियन वर्ड से हुई है और वो इटालियन वर्ड कौन सा है इटली का वर्ड है इटालियन वर्ड है वो इटालियन वर्ड कौन सा है उसका नाम है एस ओ एन ई डबल टी ओ सोनेटो सोनेटो का मतलब क्या होता है मेरे भैया अगर हम बात करें सर आवाज चेक कर लेना बिल्कुल सही है कि नहीं है सोनेटो का मतलब क्या होता है सोनेटो का मतलब मैं बता देता हूं आपको कि सोनेटो का मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग क्या होता है

Uh, आप लैटिन वर्ड कह सकते हो इटालियन का मतलब लैटिन वर्ड ठीक है ना इटालियन वर्ड लैटिन वर्ड आप इसको लैटिन लैटिन वर्ड वर्ड कह सकते हैं ज्यादातर से ही लिए गए हैं लैटिन वर्ड आप इसे कह सकते हैं तो इटालियन वर्ड है ये और जिसका नाम है अपन का सोनेटो ठीक है ना सोनेटो का मतलब क्या होता है बताइए सोनेटो का मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग अच्छा सोनेट जितने भी लिखे जाते होंगे उन सोनेटो में कोई विशेष थीम वगैरह होती होगी क्या बिल्कुल इसका जो एक स्पेशल थीम है तो इसका जो थीम है टी एच ई एम ई इसका जो थीम है वो क्या है लव अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑल सोनेट्स सारे सोनेट्स की बेसिक थीम क्या है तो अपन का आंसर क्या होगा दोस्तों क्या होगा मेरे बच्चों क्या होगा आंसर मेरे भाई बंधुओं आंसर होगा अपन का लव क्या है सोनेट का जो थीम है बेसिक थीम है न, न ब्यूटी है ना आपका कोई फ्रेंडशिप है ना कोई और आ, किसी का और किसी प्रकार का वर्जन है सीधा की सीधा आपसे अगर कोई पूछे कि क्या है आपके सोनेट का बेसिक थीम तो आप सीधा बोलेंगे लव दोस्तों आज की क्लास में अपन का सोनेट चल रहा है कल की क्लास में भी अपन सोनेट ही पढ़ेंगे तो आज और कल में हम लोग सोनेट का कर देंगे सफाया क्या कर देंगे अपन आज और कल में सोनेट का पूरा कर देंगे सफाया और सोनेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों को आराम से सॉल्व कर लोगे सोनेट एक बार में आप लोगों का क्या हो जाएगा क्रैक हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही है बेसिक थीम क्या है सोनेट की लव अगर आपको कोई सात कारण में ही पूछ ले तो लव ढूंढ करके निकाल देना लव क्या है इसकी बेसिक थीम है और बेसिक थीम है आजकल तो थीम सब सोनेट अलग अलग तरीके से लिखे जा रहे हैं लेकिन जो सबसे पहले लिखे थे तो वो सारे, सारे के सारे सोनेट किस थीम पर लिखे गए थे बेसिकली सारी जो थीम थी वो थी लव बोलो ये एक छोटा सा जनरल व्यू अगर अपन देखे सोनेट का तो आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा अब चलते हैं सर सोनेट का ओरिजिन कैसे हुआ था उत्पत्ति कैसे हुई थी आपको ये तो पता ही है कि सो सोनेट जो है अपन ने पढ़ी लिया सोनेट का ओरिजिन तो पढ़ी लिया अपन अपन पढ़ेंगे अब सोनेट की हिस्ट्री

हिस्ट्री आप जानते हैं कि हिस्ट्री कौन सी है सर इस यूनिट में सिर्फ सोनेट ही है क्या नहीं इसमें देखो सोनेट है ड्रामा है शॉर्ट स्टोरी है आपको ये पढ़ने हैं ठीक है ना एलई है ठीक है ना एलई पढ़ना है हमको ठीक है ना ड्रामा पढ़ना है सोनेट पढ़ना है ये पढ़ना तो सोनेट तो चालू कर ही दिया अब इसके बाद मैं तुरंत ही आप लोगों क्या ले लूंगा एलई ले लूंगा एलई के तुरंत बाद अपन दो दो तीन तीन दिन दिनों में बहुत बढ़िया इस यूनिट को कर लेंगे आप जब पूरी यूनिट कर लोगे ना तो आप कहोगे सर बस पचास क्लासेज में अरे अरे तो सर बहुत बढ़िया रहा अपन को 50 क्लासेस में अगर तैयारी करनी है पचास बावन क्लासेज में मैं आपकी बढ़िया एक घंटे की अगर हम देखें फुल लेंथ अगर वन आवर की देखें तो पचास बावन घंटों में मैं आप लोगों की रीड को बढ़िया तरीके से करा दूंगा लैंग्वेज सेकेंड को अगर हम बात करें बिल्कुल हा सभी को नमस्कार बिल्कुल ओके आपको अगर कोई डाउट पूछना हो तो क्वेश्चन मार्क लगा के भेज देना बताओ अगर किसी व्यक्ति को जानते हो आप इनमें से तो मुझे बता दीजिए हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्तों सुनना एक था सिसिलियन स्कूल यह था सिसिलियन स्कूल ये ये जो नीचे जो बना हुआ ये है, यह सिसिलियन स्कूल है यह किनका था सिसिलियन स्कूल ऑफ ऑफ़ कोर्ट पॉइंट जो दरबारी कवि होते थे उन दरबारी कवियों का एक स्कूल था सिसिलियन स्कूल कौन सा स्कूल था दरबारी कवियों का एक सिसिलियन स्कूल था बात समझ में आ गई कौन से दरबारी कवि होते हैं ना कोर्ट ऑफ कोर्ट पॉइंट्स है ना दरबारी कवि जैसे पॉइंट लियोरेट्स बना करते थे उनमें से राज कवि बना करते थे दरबारी राजा महाराजाओं के पास कवि रहा करते थे आपने भी सुना है कि अकबर के पास भी जो नवरत्न थे उनमें से एक कवि भी था एक दो तीन कवि थे आपने सुना है सब राजा महाराजाओं के पास कवि रहा करते थे मनोरंजन के लिए लोग कवियों को रखा करते थे तो ऐसे ही अपन बात करें कि भाई जहां भी है फ्रांस में इटली में या फिर अपन लंदन ब्रिटेन की इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर भी मनोरंजन के लिए राजा महाराजा लोग क्या रखते थे आ, द्राज कवि या दरबारी कवि रखा करते थे तो उन दरबारी कवियों का जो स्कूल था उसको कहते हैं सिसिलियन स्कूल और इस सिसिलियन स्कूल में क्या था मेरे भाई आ, वहां पर सोनेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तेरहवीं शताब्दी में कब हुआ तेरहवीं शताब्दी में थर्टींथ सेंचुरी में जो सोनेट वर्ड जो है पहली बार यूज हुआ सेंचुरी में फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम सोनेट यूज सोनेट वॉज यूज पहली बार सोनेट का जो प्रयोग था वो सोनेट शब्द जो है या सोनेट का जो उपयोग है या सोनेट को जो लिखा गया सोनेट का जो यूज हुआ था वो सोनेट को कहा यूज किया गया था सबसे पहले सोनेट जो कंपोज हुआ था वो हुआ था तेरहवीं शताब्दी में सिसिलियन स्कूल के कौन को, जो कोर्ट पॉइंट हैं उनके द्वारा इसके बाद इसे चौदहवीं शताब्दी में अगर हम बात करें फोर्टीन सेंचुरी में चौदवी शताब्दी में एक साथ इटली के पॉइंट थे बहुत बड़े ग्रेट ग्रेट पॉइंट थे बताओ क्या नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क क्या नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ये देखो बहुत बड़ी अलग तरह की यूनिफॉर्म पहन रखी है पेड़ की पत्तियां चारों तरफ लगा रखी है आप इनकी इमेज देखोगे बड़ी शानदार इमेज है तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क एफ आर ए एन सी एस सी ओ फ्रांसिस्को पेट्रार्क पीई टी आर ए आर सी एच फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसको चौदहवीं शताब्दी में चौदवी शताब्दी में यूज किया था फोर्टी सेंचुरी में भाई साहब फ्रांसिस्को पेट्रार्क का जो जन्म है अगर मैं इसकी बात करूं अगर मैं इसके जन्म की बात करूं तो आपको पता है इसका जन्म कब हुआ था ओके okay. इनका जन्म हुआ था भाई साहब मैं आपको लिख देता हूं यहां पर इनका जन्म हुआ था 1303 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो तेरह सौ में हुई थी कब हुई थी 1303 से तेरह में इनका क्या रहा था इनका जो आ, इनका समय रहा था और इस समय में अगर मैं बात करूं बिल्कुल आपके समझ में आ रहा है कि नहीं बताना मैं हिस्ट्री बता रहा हूं किसकी सोनेट की हिस्ट्री बता रहा हूं मैं आपको चतुष्पदीय कविताओं की हिस्ट्री बता रहा हूं तो आप समझना चतुष्पदीय कविताओं की हिस्ट्री जिंदगी में किसी ने आपने आपको बताई नहीं होगी अब तक इतनी शानदार चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सोनेट का इतिहास क्या रहा सोनेट को सबसे पहले जो प्रयोग में लिया गया वो थेरवीं शताब्दी के सिसिलियन स्कूल के जो बार्ड पॉइंट थे या आप कह सकते कोर्ट पॉइंट्स थे उन्होंने यूज किया था और बिल्कुल सर ये जेंट्स है जेंट क्या बिल्कुल जेंट्स ही हैं लेडीज जैसे लग रहे होंगे क्योंकि पहले के जमाने में क्या है अंग्रेज तो वैसे भी लेडीज जैसी लगते हैं बिल्कुल जेंट्स है जेंट पूरन सिंह जी बिल्कुल जेंट्स ये लग लेडीज जैसा रहा है ना ये कौन आ, अपने ये पेट्रार्क नहीं ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो है जेंट्स हैं लेडीज नहीं है ये लेडीज जैसा भेष रखते थे पेट्रार्क जो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने फोर्टीन सेंचुरी में आ, जो है सेकेंड टाइम यूज किया था इसके बाद साहब ये इंग्लैंड में आ गया कौन सोनेट सोनेट आ गया इंग्लैंड में और सोनेट में ये दो महान विभूतियों ने इसको सोलवी शताब्दी में सोलवी शताब्दी में सिक्सटीन सेंचुरी में इसको इन दो महान विभूतियों ने क्या कर लिया यूज कर लिया एक का नाम तो क्या है भैया सर टॉमस यट क्या नाम है इनका इनका नाम है सर टॉमस टी एच ओ एम ए एस टॉमस डब्ल्यू वाई ए डबल टी सर टॉमस यट ठीक है ना सर टॉमस यट है इंग्लैंड से हैं Okay, इसके बाद इनके अगर हम बात करें एक थे अपन के क्या हेनरी हावर्ड क्या थे हेनरी हावर्ड एच ओ डब्ल्यू ए आर डी हेनरी हावर्ड जिनको अर्ल ऑफ सरे कहते हैं सरे का सामंत क्या है ये अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं इनको सरे का सामंत इन्होंने क्या किया सोलहवीं शताब्दी में सिक्सटींथ सेंचुरी में सोनेट का प्रयोग किया सिक्सटींथ सेंचुरी में किसका प्रयोग किया भैया सोनेट का प्रयोग किया और अगर मैं इनकी ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ की बात करूं तो इनकी पट्टी का लगा देता हूं ईयर ऑफ बर्थ ईयर ऑफ डेथ बनाने के लिए चलिए देखिए सुन लीजिए अगर मैं बात करूं कि टॉमस यट का अगर अपन ईयर ऑफ बर्थ ईयर ऑफ डेथ निकाले तो अगर टॉमस यट की बात करें भैया तो टॉमस यट का जन्म 1503 में हुआ था और इनकी डेथ पंद्रह में हो गई बहुत कम ये जीवन जिए हैं और इनसे भी कम जीवन जिए हैं अपन के कौन अपन के ये जो है कौन? अपन के बिल्कुल प्लीज सर बताए ना सर ये मुझे ऑफलाइन क्लास लेने है, तो कब से चालू है बिल्कुल बता देंगे आप लोगों को सर बता देंगे ऑफलाइन क्लास लेनी है तो कब से चालू है अभी फिलहाल के लिए तो आप इसको पढ़िए अब मैं देखिए ये आपको इस बंदे की इस बंदे की ईयर ऑफ बर्थ ईयर ऑफ डेथ लिख रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मैं बात कर रहा हूं किसकी मैं बात कर रहा हूं आपकी हेनरी हावर्ड की किसकी बात कर रहा हूं मैं हेनरी हावर्ड की बात कर रहा हूं जो वाइसा पंद्रह में जन्म लिए थे और पंद्रह से में भाई में वाइसा मृत्यु हो गई अब अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सोनेट का प्रयोग किसने किया तो आप कहेंगे सर सिसिलियन स्कूल के जो कोर्ट पॉइंट थे उन्होंने तेरहवीं शताब्दी में सबसे पहले यूज किया था किसका अपन के सोनेट का अब अगर हम बात करें कि सोनेट का दोबारा या बाद में प्रयोग कहाँ किया गया कि चौदवी शताब्दी में यानी कि फोर्टीन सेंचुरी में आपके जो पेट्रार्कन जो सोनेट नाम से अपन पढ़ेंगे भी जो इटालियन सोनेट और पेट्रारकन सोनेट अपन पढ़ेंगे सबसे फेमस सोनेट है ठीक है ना तो वो जो सोनेट है उनको अपन ने पेट्रार्क जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क उन्होंने लिखे थे और फ्रांसिस्को का जन्म मैंने आप लोगों के सामने लिख रखा है अब बात करते हैं सर कि सोलहवीं शताब्दी में सोनेट की अगर हम बात करें तो सोलहवीं शताब्दी में सोनेट का अडोप्टेशन किसने किया किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया तो अगर ये बात करें कि आपको अडोप्ट किसने किया तो आपके दिमाग में सेट रखना की जो सिक्सटीन सेंचुरी में अडोप्टेड बाय डॉप्टेड बाई दीज टू पर्सनैलिटीज द फर्स्ट वन इज सर टॉमस यट एंड द सेकेंड सर टॉमस यट सर सर और लगेगा उसमें सर टॉमस यट और दूसरे थे अपन के क्या हेनरी हारवर्ड जिनका जो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया अर्लऑफ सरे थे यानी कि ये सामं थे किसके सरे के सरे नामक जगह के अब अपन बात करते हैं दोस्तों की सोनेट की थोड़ी आगे के स्टेप पर चलते हैं अपन बात करेंगे दोस्तों की सोनेट में लाइन्स कितनी होती है सोनेट का मीटर क्या होता है और सोनेट की टाइप क्या होती है टाइप और बिल्कुल टाइप की बात करेंगे और टाइप्स को हम पढ़ेंगे लास्ट में पहले सोनेट के बारे में बेसिक जानकारी और लेंगे ये बंदा आप देख रहे होंगे ये कौन है मैं बताऊंगा आप लोगों को सबसे पहले बात करते हैं इसकी लाइंस की अगर सोनेट की लाइंस की बात करें तो आपको पता ही है मेरे दोस्तों की सोनेट में जो लाइन्स होती है वो टोटल कितनी होती है फोर्टीन लाइन्स होती है क्या होती है फोर्टीन लाइन्स होती है ठीक है ना और अगर आपसे पूछे की स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जो है एक राइमिक पैटर्न जो है इसमें फॉलो होता है स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न बिल्कुल क्या होता है इसमें स्ट्रिक्ट जो है राइम पैटर्न आपका यहां पर फॉलो होता है स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न स्ट्रिक्ट मानी सख्त एस टी आर आई सी टी सख्त राइम पैटर्न आर एच वाई एम राइम पैटर्न यहां पर फॉलो होता है ऐसे नहीं है ही नॉर्मली कंपोज हो गई स्ट्रिक्ट राइम पैटर्न इज फॉलोड यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट ड्राइव पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है अगर आपसे कोई पूछे कि एक सोनेट में लाइन कितनी होती है तो अपना जवाब क्या होगा भैया जवाब दीजिए सभी लोग गुड इवनिंग संगीता जी बिल्कुल गुड इवनिंग सर नोट्स बाद में बनवाओगे क्या बिल्कुल अभी बनाते चलो संग 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 बनाते चलो इस तरीके से आप लिखते हुए चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी संग संग इनके नोट्स बनाते चलो और अदरवाइज आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं है पीपीटी के फॉर्मेट में है ना तो कोई दिक्कत तो है नहीं चलो बताइए मुझे कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक, एक सोनेट में लाइंस कितनी होती है तो अपना आंसर क्या होगा क्या होगा अपना आंसर भैया सभी बताइए जल्दी से बिल्कुल बताइए बिल्कुल लाजवाब लाजवाब रामदयाल जी ज्योति जी बहुत बढ़िया लाजवाब अगर आपसे कोई पूछे कि सोनेट में लाइन्स कितनी होती है तो आपका सीधा जवाब होगा कि लाइन्स होगी सब फोर्टीन कितनी लाइन्स फोर्टीन क्या इसमें मतलब आप ये पूछा जाएगी अ सोनेट इज strictly following rhyme scheme और non not following uh, rhyme scheme या softly following rhyme scheme तो आपन का याद रखना है strictly rhyme scheme को फॉलो करता है strictly following rhyme scheme अब अगर, अगर अपन बात करें मीटर की अगर हम इसमें मीटर की बात करें मेरे दोस्तों तो मीटर क्या होता है मैं इसकी जानकारी आप लोगों को मीटर नाम के टॉपिक में दूंगा लेकिन अगर मैं शॉर्ट के लिए बोलूं तो आपके दिमाग में याद रखना है कि इसके अंदर क्या कौन सा मीटर होता है इसके अंदर होता है iambic pentameter क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर होता है हमेशा कि क्या होता है सर बिल्कुल विस्तार से समझाना वाला हूं आज ही शायद आज ही इसको समझ लेंगे नंबर आ जाएगा टाइम नहीं हुआ तो आयम्बिक पेंटामीटर इसके अंदर यूज होता है अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा मीटर यूज होता है तो आपका सीधा जवाब होगा आयम्बिक पेंटामीटर इसके अंदर यूज होता है अगर इसकी थीम की बात करें तो मैंने थीम आपको बताई दी थी आपको ऐसा नोट बना लेना है कि थीम आपको बता दी थी कि इसकी थीम क्या होती है बच्चों इसकी थीम होती है लव और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ड का कहां से हुआ तो आप कहता है इटालियन वर्ड लैटिन वर्ड सोनेटो से इसका जन्म हुआ जिसका मतलब होता है अ लिटिल सॉन्ग अब अगर अपन बात करें कर्टिल सोनेट की टाइप जो है इसका जो टाइप है वो टाइप आपने पढ़ी लिया है तीन आ, इसके जो टाइप्स हैं अभी मैं बता रहा हूं कि तीनों टाइप्स जो है मैं लिख देता हूं सामने एक तो है अपन का इटालियन सोनेट जिसको हम पेट्रारकन सोनेट बोलेंगे पीई टी आर ए आर सी एच ए एन पेट्रारकन सोनेट और ऐसा रट जाएंगे तो मेरे दिमाग में टेंशन ही नहीं, नहीं रहेगी पेट्रको सोनेट जिसको हम क्या बोल सकते हैं इटालियन सोनेट भी बोल सकते हैं दूसरा अपन करेंगे इंग्लिश सोनेट जिसे हम क्या भी बोलते हैं इंग्लिश सोनेट को अपन सेक्सपीरियन सोनेट भी बोलते हैं ठीक है ना इसके अलावा तीसरा जो सोनेट है वो है आपका स्पेन सोनेट एस पी एन एस

एक्सपीरियंस ऑन इट बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को डन है दिमाग में एक बार डन कर दीजिए भैया एक बार डन कर दीजिए कि हाँ मेरे लाडले बच्चों को समझ में आ चुकी है भैया एक बार डन कर दो भैया एक बार डन कर दो अंग्रेजी जैसी खतरनाक डेंजरस विषय आप लोगों को दिमाग में बैठी है कि नहीं बैठी है और ये व्यक्तित्व जो यहाँ पर खड़ा है खड़ा नहीं बैठा है ये व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा है उनका नाम है ग्रट मैंडली हॉपकिस ग्रट मैंडले हॉपकिस इनका नाम है क्या भैया इनका नाम ये जो बंदे मैनले इनका नाम है जी ई आर ए आर डी गर्ड मैनले एम एन एल ई वाई मैनले हॉपकिंस ये बंदे क्या थे इन्होंने क्या है? एक, एक क्या लिखा था इन्होंने एक पॉइंट लिखी थी और उस पॉइंट का नाम था पाइड ब्यूटी पी आई डी पाइड ब्यूटी इन्होंने एक पॉइंट लिखी थी पाइड ब्यूटी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा तुमसे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या पता किसी एग्जाम में आ जाए आप में से भी कोई ऐसा बंदा हो जो अभी रीट की कर रहा है आने वाले समय में सेकंड ग्रेड की करेगा रीट नहीं आई तो ग्रेड सेकंड की एग्जाम देगा ऐसे भी कई बंदे होते हैं जिनके अभी टारगेट फिक्स नहीं होते बस जौन सी एग्जाम आती है उसकी तैयारी करने लग जाते हैं तो जो बंदे इसमें हैं निश्चित तौर से आपको आ, आपको ये क्या है इसमें क्लियर हो जाएगा ये ठीक है ना निश्चित तौर से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है कर्टिल सोनेट क्या होता है वगैरह वगैरह तो आप लोग सीधा सीधा इसका जवाब दे देंगे अगर अपन बात करें कर्टेल सोनेट की ये ग्रेड मेनलीफकिन से इन्होंने करटिल सोनेट लिखा था और कर्टेल सोनेट क्या होता है कर्टेल सोनेट की जो है साढ़े लाइन होती है याद रखना साढ़े दस लाइन होती है दस लाइन और एक आदि यानी कि ये लगभग है ना जो आपका जो एक्चुअल सोनेट होता है उसका थ्री फोर्थ होता है एक्चुअल सोनेट का थ्री फोर्थ होता है डेंजरस कुछ नहीं होता बिल्कुल सही है पूरण जी आप लोगों ने आप, आपकी क्या है जब लोग मुझे लगता है ना कि इंग्लिश विषय की बात चलती है तो वहां पर क्या राजस्थान के अंदर इसका क्राउड कम हो जाता है जब बात इंग्लिश की चलती है तो मतलब क्यों कम हो जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत डरावनी सब्जेक्ट है मतलब ऐसा है फोबिया बना हुआ है बच्चों के अंदर यार इंग्लिश जब क्या आपको पता है एक एक चीज जो स्टेप है वो बहुत आराम से क्लियर होते नजर आते हैं कि अपन जब करते हैं तो बहुत आसानी से कर लेते हैं मतलब मतलब मैं तो ये जानता हूं कि विश्व की सबसे ज्यादा कंट्री जिसको बोलती है तो फिर ये कठिन कैसे हो सकती है तो देखते हैं अपन यहाँ पर साढ़े दस लाइन है यानी कि एक्चुअल सोनेट का क्या है आपका साढ़े दस मतलब तीन बटे चार भाग है साढ़े दस लाइन का दरअसल इसकी जो राइम स्कीम है अगर मैं बात करूं इसकी राइम स्कीम्स की तो इधर तो मुझे एक जाना पड़ेगा शायद अगले पेज पर जाना पड़ेगा तो मैं आपको कर्टेल सोनेट के बारे में बता देता हूं हल्का सा कि कर्टेल सोनेट की जो राइम स्कीम है पीछे की साइड है ना कर्टेल सोनेट की जो राइम स्कीम है कर्टेल सोनेट की जो राइम स्कीम है जिसका नाम मैंने बताया आपको क्या फाइट ब्यूटी और इसकी जो राइम स्कीम की अगर अपन बात करें तो राइम स्कीम मैंने आपको बताया तो स्कीम क्या होगी इसकी बी सी ए बी सी है ना ए बी सी ए बी सी इसके बाद होगी अपन की जैसे अपन ए बी सी ए बी सी के बाद क्या ले सकते हैं ए बी सी ए के डी सी बी और इसके बाद क्या है डी सी बी के बाद हो जाएगा डी सी कितनी लाइन हो गई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ये

पैटर्न और चला जाता है याद रख लोगे याद रख लोगे कि डन करो एक बार याद रख लोगे को ए बी सी ए बी सी ये तो है ही कॉमन सी है इसके बाद आपको डीसी याद रखना है फिर एक बार डी जैसे ऐसे टुकड़े कर लेना एक डी सी एक बी डी फिर सी या फिर ऐसे याद कर लेना डी, सी बी डीसी एक बार डी, सी के बाद फिर दो, दोनों बार सी बीच में भी और इधर याद कर लेना कि एक बार बीसीडीसी और शुरू में बी डी है ऐसे कुछ करके आपकी जो भी शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो तो कर्टेल सोनेट की वैसे राइम स्कीम नहीं पूछा आती है डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन इसका कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ कर्टेल सोनेट कि कर्टेल सोनेट की राइम स्कीम क्या है ठीक है ना ये पूछा जाता है लेकिन अपन के कर्टेल सोनेट सिलेबस में नहीं है अगर आए ग्रेड सेकंड में तो आप कर देना ग्रेड सेकंड की तैयारी करने बैठो तो अब बात करते हैं मेरे दोस्तों अपन आगे की चीज की अपन कहां तक पहुंच गए थे अपन पहुंच गए थे यहां तक अब अपन आते हैं अगली चीज पर अगली चीज है मेरा बोल्टा मुझे आपको बोल्टा समझाना है बोल्टा समझाने के लिए ये क्या है? लाइन चली गई पीछे कोई दिक्कत नहीं मैं बोल्टा समझा देता हूं ठीक है ना थोड़ा पीडीएफ बनने में हल्की सी दिक्कत आ गई कोई दिक्कत नहीं है वोल्टा की मैं बात कर रहा हूं यहां पर बोल्टा क्या होता है अरे आपके दिमाग में किसी को बोल्टा लेकर के कोई दिमाग में है क्या बोल्टा का मतलब क्या होता है वोल्टा एक सोनेट में आने वाले टर्म है मैं सारी टर्म्स आपको परिचय कराऊंगा वोल्टा सजूरा इसके अलावा आपका मीटर आपका पेंटामीटर आय टिक ये सारे के सारे वैलड ये इन क्वाट्रेन ना ये पूरी की पूरी ट्रिपलेट इन सारी चीजों का सर सिलेबस पूरा कराना बिल्कुल पूरा कराऊंगा पूजा जी बिल्कुल पूरा कराऊंगा आपके दिमाग में सेट रखना पूरा कराऊंगा और जो आप ये दिमाग में सेट रखना कि ये जो सारे टर्म्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ना केवल रीट की एग्जाम में बल्कि मेरे दोस्तों अगर आप बात करें कौन सी आप चाहे ग्रेड फर्स्ट की बात कर लो चाहे ग्रेड सेकेंड की बात कर लो सोनेट जहां आ जाएगा वहां आपकी इन जो दो क्लासेज होंगी इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं ये मेरा आपसे पक्का वादा है बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाएगा बिल्कुल पक्का वादा रखो अगर मैं आपसे पूछू भैया कि वोल्टा का मतलब क्या है तो बताइए जरा किसी के दिमाग में है कि वोल्टा को लेकर कोई बात हल्का फुल्का वोल्टा का मतलब वोल्टेज से नहीं है वोल्टा लगा दो रुकाओ बिल्कुल रुकाव जो होता है अपन का बोल्टा को लेकर के रुकाव नहीं होता है बोल्टा को लेकर के अगर अपन बात करें तो बोल्टा का मतलब होता है टर्न स्लाइड टर्न हल्का सा झुकाव हल्का सा बदलाव स्लाइड टर्न इन थॉट्स स्लाइट टर्न इन थॉट्स इन थॉट्स विचारों में जो बदलाव होता है ये दिमाग में आ जाता है याद रखना है ना क्वेश्चन आ गई इसकी कई बार जो जो थॉट में एक्सप्रेशन में आपके जो थीम है आपका थीम तो एक ही रहेगी खैर जो आपका थॉट और एक्सप्रेशन है जब अगर हल्का सा टर्न हो जाए टर्न इन एक्सप्रेशन टर्न इन एक्सप्रेशन पॉइंट प्रेम की प्रशंसा करते करते एकदम निंदा करने लग जाए तो ये क्या हो जाता है आपका टर्न हो जाता है वो टर्न कह दिया मतलब उसने क्या किया अपने विचार टर्न कर दिए मतलब

मैं भगवान की सेवा अब भी कर सकता हूं तो मतलब पहले तो ऊपर निंदा कर रहा था और अब नीचे जाकर के क्या कर दिया क्या कर दिया उसने भाई साहब प्रशंसा करना शुरू कर दिया तो ये जो हल्का सा बदलाव होता है चेंज ऑफ थॉट जो विचारों में जो चेंज आता है टर्न आता है तो आप दिमाग में सेट रखना की बोल्टा इज इक्वल टू, टू टर्न बोल्टा का दिमाग में सेट रखना बोल्टा का मतलब होता है टर्न और शिफ्ट टर्न कह दो शिफ्ट कह दो कि अपन के जो टर्न हो जाता है शिफ्ट हो जाता है दिमाग में एक्सप्रेशन में थॉट में जो शिफ्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं अपन बोल्टा कहते हैं टर्निंग पॉइंट बिल्कुल आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हो बिल्कुल सही है अब बहुत लाजवाब जवाब आ रहे हैं आप लोगों के टर्निंग पॉइंट आप इसे कह सकते हो बोल्टा को बड़ी लाजवाब आप लोगों ने एक लाइन बोली है कि टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं लेकिन अभी मैं बता रहा था कि जो टर्निंग uh, पॉइंट है वो किस तरीके का आता है ये एक प्रकार का रिटोरिकल टर्न होता है ये एक प्रकार का मैं आपको इंक बदल के बताता हूं कि एक प्रकार का रिटोरिकल टर्न होता है दिस इज अ टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ एक प्रकार का ए टाइप ऑफ रिटोरिकल आर एच ई टी ओ आर आई सी एल रिटोरिकल रिटोरिकल टर्न होता है एक प्रकार का काव्यात्मक बदलाव होता है जिसमें अपन जिसको एक्सप्रेस करते हैं बट से यट से ठीक है ना बट सी से, यट से ठीक है ना आदि से जो अपन कर सकते हैं ईटीसी से अपन जो करते हैं वो होता है लेकिन अपन को पॉइंट है या ये तो ये तो या तो, या तो ये वर्ड यूज करते बट यट करके ठीक है ना और या फिर नहीं करे ना तो मैं आपको बता देता हूं वो है ना सेमिकोलन से आपको ये कर सकता है तो सेमिकोलन जहां आ जाता है जहां पर भी सेमीकोलन आता है ये सेमिकोलन ये क्या होता है आपका बोल्टा बोलता है क्या होता है ये आपका वोल्टा होता है दिमाग में सेट हो गया वोल्टा क्या होता है बोलो क्लियर है कि नहीं ये बोल्टा क्या होता है एक बार थम अप कर दो भैया जिन जिन के दिमाग में बोल्टा सेट है पूरी तरह से जो वोल्टा सेट हो जाता है दिन के दिमाग में सेट हो गया है वोल्टा वो बता दो मुझे ये वोल्टा आता कहां पर है आता कहां पर है ये भी मैं बता देता हूं कि अगर मैं बात करूं वोल्टा की तो वोल्टा आता है ऑक्टेट में ऑक्टेट में यानी कि यानी कि आठवीं लाइन में या नौवीं लाइन में एट्थ या नाइन्थ लाइन में आता है सर ये ऑक्टेट क्या होता है मैं बताता हूं जब अपन पेट्रार्कन सोनेट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्टेट और ऑक्टेव दोनों एक ही चीज है ऑक्टेट कह दो चाहे आप ऑक्टेव कह दो ऑक्टेव भी कह सकते हो ये भी एक ही चीज है ऑक्टेट और आ, जो ऑक्टेट और अपना ऑक्टेव है वो केवल आठ लाइन का होता है बिल्कुल सही है आठ लाइन का होता है ये आठ लाइन का होता है बाकी का जो सेस्टेट होता है वो छह लाइन का होता है और जब आठ लाइन के बाद सर सजूरा का मतलब सम टाइम रुका बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकना होता है सजूरा सजूरा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते मैं बताऊंगा का स्पेलिंग आप लोगों ने गलत लिखा है बस बाकी का सही है। आ, सही है है आपका जो मीनिंग है बिल्कुल सही है जरूर करो एक बार आ, अब देखो आठवीं और नौवीं लाइन में आठवीं और नौवीं लाइन में आप लोगों को क्या मिलेगा वोल्टा मिलेगा क्या मिलेगा वोल्टा मिलेगा और कभी कभी आप लोगों को ग्यारहवीं और तेरहवीं लाइन में मिल सकता है तो ये दिमाग में सेट मत रखना आपको तो केवल क्या है आप लोगों को पूछे कि कौन सी लाइन में आपको वोल्टा मिलता है तो आप बताएंगे कि पहली बात तो वोल्टा के बारे में अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि वोल्टा एक टर्निंग पॉइंट है या फिर वोल्टा एक टर्न है या शिफ्ट है ऑक्टेट के अंत में, में आता है या ऑक्टेव के अंत में आता है ऑक्टेव आठ लाइन का स्टेंजा होता है या आठ लाइन का सेट होता है आठवीं लाइन में या नौवीं लाइन में आप लोगों को क्या मिलेगा वोल्टा मिलेगा और वोल्टा को एक्सप्रेस करने का तरीका आप लोगों को पता है बट है यट है

तो फिर उसका जो बक्ष स्थल है वो भी क्या है सफेद है इफ हेयर वी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड और अगर हम बात करें कि अगर हेयर को हम वायर से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि उसके सिर पर पूरे काले काले वायर लग रहे हैं आई हैव सीन रोजेज डमसे रेड एंड व्हाइट मैंने देखा है कि रोज जो है वो भी क्या हो जाते हैं हल्के से लाल पड़ जाते हैं हल्के से सफेद पड़ जाते हैं बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चीक्स लेकिन मैंने ऐसा जो फीका पड़ने वाला गुलाब है मैंने उसके चीक्स में नहीं देखा है एंड इन सम परफ्यूम्स इज देयर सम मोर डिलाइट और उसकी जो खुशबू है उसमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है अगर अपन बात करें इधर और अब उसकी जो ब्रीथ है श्वास है उसमें क्या होता है कि मेरी मिस्ट्रेस का जो रीक्स नजर आता है मतलब उसका एग्जिस्टेंस नजर आता है आई लव टू हियर हर स्पीक मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं उसको बोलते हुए सुनू यट वेल आई नो आ गया यट आ गया यट ये क्या है मेरे दोस्तों ये है यट आते ही समझ जाओ ये आपका बोल्टा आ गया क्या आ गया वोल्टा काया आठ लाइन पूरी हो गई और नौवीं लाइन के बीच बोल्टा, में आ गया वोल्टा क्या आ गया नौवीं लाइन में वोल्टा आ गया अब प्रेमिका की प्रशंसा करने की जगह को का देखो काकेट वेल आई नो फिर भी मैं अच्छे से जानता हूं दैट म्यूजिक हैज ए फार मोस्ट प्लीजिंग साउंड कि संगीत तो जो है वो प्रेमिका से भी ज्यादा सुंदर है या मधुर है या फिर मनोरम है आगे क्या बोलते आई ग्रांड आई नेवर सॉ ए गॉडेस गो मैं मैं जानता हूं मैंने अच्छे से प्रदान किया है मैंने अच्छे से देखा है

कोई सॉन्ग्स एंड सोनेट्स मैं एक पूरा ग्रंथ लिखा उन्होंने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स और उसमें जाकर के उन्होंने पूरे के पूरे एक सौ चौवन सोनेट्स यार बहुत बड़ी बात होती है यार एक सौ चौवन सोनेट्स लिख देना और वही सेम थीम को लेकर के यहां विलियम शेक्सपियर की जब ही तो इस पर्सनैलिटी को आज तक नहीं भूला जा रहा भाई साहब आपको पता है कि 1564 में जन्मे 1564 में जन्मे और 1616 सो में जिसकी डेथ हो गई उस बंदे को आज हम भूल नहीं पा रहे हैं। कारण उसकी पर्सनैलिटी लिटरेरी नॉलेज और उसका जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी था वो यार इसलिए उसको भुला नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं अपन सजूरा के पास सजूरा क्या होता है सजूरा का मतलब होता है पॉज ए पॉज पी ए यू एस पॉज भी कैसा पॉज मतलब रुकना अब पॉज कैसे होता है देखो पॉज देखो कॉमा से होता है कॉमा से रुक जाते हैं हम ये इस तरह का एक मार्क लगता है इससे भी रुकते हैं और इस तरह का जो मार्क होता है पोइट्री में तीन तरह का पॉज होता है इसको अपन रिटोरिकल आर एच ई टी ओ आर आई सी एल रिटोरिकल पॉज कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे कि सजूरा का मतलब क्या है और आपसे पूछे कि बोल्टा एंड सजूरा मीन वोल्टा एंड सजूरा मीन और नीचे ऑप्शन में आए वोल्टा एंड सजूरा मीन रेस्पेक्टिवली और रेस्पेक्टिवली अगर आ जाए तो समझना इसका मतलब होता है क्रमशः तो आपको पता रहेगा सर क्लास रुक गई एक बार देखना सर सॉफ्टवेयर चला के सर बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकी नहीं रुकी कोई दिक्कत नहीं है सर आप लोग क्या है अपना एक बार एक मोबाइल थोड़ा सा चेक कर लिया करो कोई दिक्कत नहीं आप डरा देते हो सर क्लास रुक गई चलो कोई बात नहीं रिटोरिकल जो क्वेश्चन है रिटोरिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों रिटोरिकल क्वेश्चन क्या रिटोरिकल जो पॉज है वो क्या होता है अपन का वो सजूरा होता है और अगर आपसे कोई भी पूछे कि सजूरा क्या होता है तो आपके दिमाग में जाएगा पॉज और बोल्टा क्या होता है तो बोल्टा क्या होगा अपन का बच्चों टर्न होगा बोलो आपके दिमाग में प्रॉपर है बिल्कुल ओके okay. कोई दिक्कत नहीं है अब चलते हैं अपन आगे देखिए मैं सजूरा का आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं कि सजूरा होता क्या है और फिर अपन थोड़ा सा क्वार्ट्रेन और टर्सेट्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अपन आज की क्लास को करेंगे समाप्त फिर अपन कल जो है महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हुए कल अपन सोनेट को समाप्त करेंगे कल सोनेट पर कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में Uh, क्या है आ चुके हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद अपन कल नया टॉपिक लेने वाले परसों नया टॉपिक लेने वाले ओके okay. क्या रिपीट करना है ज्योति जी एक बार बताना रिपीट क्या करना है आप एक बार वीडियो को बैक करके देखना आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा एक बार फिर भी अगर कोई चीज पूछना है तो मुझे रिपीट करके बताओ कि आप भी बताओ कि मुझे क्या रिपीट करना है क्योंकि लंबी क्लास में से रिपीट क्या करना है मुझे आप लोगों से पता लगना चाहिए ऑफ आर्म्स एंड मैन आई सिंग फिर यह आ गया ये है अपन का क्या सजूरा क्या ये ये अपन का सजूरा है और यहाँ पर आया ये वाला सजूरा है सी एस यू आर ए और एक पॉइंट में कितनी भी बार सजूरा आ सकता है कितनी भी बार रुकावट आ सकती है यहाँ पर रुकावट सर इसको रिपीट कर दो रिपीट पूरन जी किसको करना है रिपीट करना है करना है? रिपीट बोल्टा को करना है या सजूरा को करना है रिपीट किसको करना है बोल्टा को करना है या सजूरा को करना है एक बार बता दो बड़ा आसान चीजें पढ़ाई है वैसे तो मैंने देखी कि सज्जूरा क्या होता है पौज होता है पौज को अपन तीन तरीके से व्यक्त करते हैं जैसे रिटोरिकल पौज कहते हैं रिटोरिकल पौज को अपन तीन तरीके से व्यक्त करते हैं कौमा कौमा के अलावा ये अपन के जो आ, बड़ी जो लाइन होती है इस तरह का ठीक है ना और फिर एक क्या है अपन का ऑब्लिक ये जो क्या है ये अपन के क्या है भैया अपन के पौज है जिसको अपन क्या कहते हैं बिल्कुल अपन का क्या कहते हैं अपन उसको सज्जूरा बोलते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया ओके अब चलते हैं अपन आगे क्वेट्रीन की बात करें अपन क्वेट्रेन क्या होता है चलो बताइए क्वेट्रेन के बारे में किसी को आइडिया है सर बोलता नहीं सर सजूडा को मैंने समझा दिया अभी अभी अच्छा आप बताइए कि इस जो क्वेट्रेन है क्वेट्रेन का मतलब क्या है फटाफट बताओ क्वेट्रेन का मतलब क्या है दोस्तों जल्दी से बताएंगे कि क्वेट्रेन क्या होता है क्वेट्रेन होता है चार पंक्तियों का यानी कि फोर लाइन्स का एक स्टेंजा क्या होता है अस्टेंजा ऑफ फोर लाइन स्टेंजा फोर लाइंस का स्टेंजा होता है फोर लाइंस ऑफ फोर लाइंस, चार लाइंस का जो स्टेंजा होता है उसको अपन क्या कहते हैं अपन उसको कहते हैं सजूरा क्या कहते हैं फोर सॉरी उसको क्या कहते हैं क्या 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 है? चार पंक्तियों का जो स्टेंजा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सर पीडीएफ डी कहां मिलेगी सर इसका जवाब बिल्कुल आप लोगों को हमारी टेक्निकल टीम दे देगी कि कहाँ से पीडीएफ मिलने वाली है बिल्कुल बाकी का मैं आप लोगों को ये तय करता हूँ कि भाई ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब मिल जाएगा आप लोगों को स्टैंड ऑफ फोर लाइंस, चार पंक्तियों का ऐप पर शायद ऐप पर अवेलेबल होगी डेफिनेटली फ्रेंड बिल्कुल ओके okay, देखिए अगर अपन बोले कि चार पंक्तियों का जो स्टैंजा होगा क्वेट्रेन कहलाएगा क्या कहलाएगा क्वेट्रेन कहलाएगा और चार पंक्तियों के स्टैंडा की भी एक खास बात होती है मेरे दोस्तों ये क्या एक सर्टेन राइम स्कीम से एंड होता है सर्टेन राइम स्कीम से एंड होता है मतलब पीछे मैंने आपको राइम पढ़ाई है राइट पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है राइम राइम के बाद मैंने आपको राइम स्कीम भी बताई थी कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं कैसे क्या किया जाता है आपको मैंने देखो परसोनीफिकेशन पढ़ाया सिमिली पढ़ाया लिट्रेशन पढ़ाया मेटाफर पढ़ाया उनके कई सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए इसके अलावा अपन लोगों ने एक पूरी यूनिट कम्प्लीट करके पूरा फोनेटिक्स नाम का बहुत बड़ा चैप्टर कम्पलीट किया इसके बाद अपन यहाँ पर अब देख रहे हैं आप कि मैं फोर लाइन्स का स्टेंजा आप लोगों मतलब ये चीजें जो सोनेट ड्रामा वगैरह इन सारी चीजों को बता रहा हूँ बहुत छोटी छोटी चीजों को मैं बारीकी से लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों के सामने फोर लाइन का स्टेंजा थ्री लाइन का स्टेंजा थ्री लाइन वगैरह बहुत सारी चीजें ये देखिए दो लाइन इसमेंगे आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप दिमाग में सेट रखेंगे कि क्या होता है ये ये एक प्रोसोडी होती है प्रोसोडी क्या होता है एक साहित्यिक अलंकार होता है एक साहित्यिक सेट होता है एक लिटरेरी सेट होता है प्रोसोडी कहते हैं लिटरेरी सेट को सर ओके okay. तो अपन की एक एक प्रकार का क्या है सेट होता है कि इसका इज सेट ऑफ फोर लाइंस सेट ऑफ फोर लाइंस फोर लाइंस का सेट होता है विद 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 अ फिक्स्ड राइम स्कीम फोर लाइंस विद अ फिक्स्ड फिक्स्ड राइम स्कीम एस सी एच ई एम ई ओके ये हो गया अपन का कोई दिक्कत तो नहीं है देखिए हाँ हाँ अब आगे चलते हैं थोड़ा सा देखिए वो लाइन दो थी और दो लाइन ये थी ठीक है ना वी बी स्लीप ओके समझ में आ गया वहां पर ए ए का राइम स्कीम था और बी बी का राइम स्कीम था मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा कि इनमें जो राइम स्कीम है वो कैसे बनता है देखो राइम स्कीम कैसे बनता है जैसे या तो आ जाएगा ए ए बी बी ठीक है ना या आ जाएगा ए बी ए बी जो टर्साइड्स की राइम स्कीम होती है वो वो uh, की राइम स्कीम बता रहा हूं मैं आपको या फिर अपन जैसे इसके बाद में आगे भी रिपीट हो जाती है ऐसे ही सी डी uh, सी डी uh, सी डी फिर ऐसे आ जाएगा एक हो जाता है ए बी बी ए एक हो जाता है ए बी बी ए ये क्या है अपन के uh, किसकी राइम स्कीम होती है ये अपन के क्वाट्रेंस की राइम स्कीम होती है और भी हो सकती है देखो अब ये मेन तो ये है कि दो बार

ए बी बी ए बी बी एम स्कीम बन जाती है तो ये का एक, होता है, एक फिक्स होता है। जैसे कोई भी हो सकती, ए बी ए बी हो सकता या जो क्लास देखा है तो ये आपको समझ में आएगा क्योंकि मैंने उसमें पूरा राइम निकालना सिखाया था और अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि राइम निकालना एक बार फिर से सीखना है तो आप मुझे लिख करके भेज दीजिएगा कल मैं पहले ही स्टैंडर लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए और राइम निकालना सिखाऊंगा इसमें देख लो आप कि अपन अगर हम बात करें टर्सेट्स की तो टरसेट्स क्या होता है त्रिपद क्या होता है त्रिपद जिसे हम तीन लाइन का बोलते हैं या त्रिपद कह सकते या तीन पंक्तियों का समुच्च कह सकते हैं तो टर्सेट क्या क्या होता है एक ग्रुप ऑफ हिंदी तो छोड़ो इसकी आप तो इंग्लिश पर ध्यान दो कि सेट ऑफ थ्री लाइंस अ सेट ऑफ थ्री लाइंस यानी वो क्वेट्रेन तो था किसका चार लाइन का सेट और ये कितने का है थ्री लाइन के सेट ये अलग अलग प्रकार के होते हैं फ्रेंच में हैकू बोलते हैं इसको ये देखिए जो है अपन का जैपनीज में भी हैकू बोलते हैं तो देखिए कि अगर हम टाइप्स बोले टर्सेट्स के तो हैक्यू बोलते हैं है क्योंकि एक जैपनीज टाइप है टरसेट का अब ये आएंगे नहीं क्वेश्चन एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ कि हैक्यू क्या है ये क्या है टर्सेट का एक जैपनीज टाइप है ये तीन लाइन का पॉइंट होता है जो बेस किया जाता है यूजली नेचर पर प्रकृति पर आधारित होती है और फाइव सेविन फाइव सिलेबल्स काउंट्स होते हैं मतलब इसमें क्या है फाइव सेवन फाइव सिलेबल काउंट क्या होता है मैं आपको सिलेबल जस्ट बताने वाला हूं सिलेबल क्या होता है कि एक वर्ड है उस वर्ड में एक बावल साउंड है एक बवल साउंड एक बाबल साउंड के साथ इधर भी कॉन्सोनेट साउंड हो सकता है इधर भी कॉन्सोनेंट साउंड हो सकता है तो एक बाउल साउंड के साथ कॉन्सोनेंट साउंड का जो आ, क्या है योग है वह पूरा एक सिलेबल कहलाता है सिलेबल कहलाता है मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा स्ट्रेस अनस्ट्रेस पढ़ाऊंगा पेंटामीटर पढ़ाऊंगा मैंने कहा ना आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीजें हैं अगर कल की क्लास अपन के लिए छोटी पड़ जाती है तो अपन एक दिन की क्लास और ले लेंगे लेकिन मैं आप लोगों के डाउट पूरा क्लियर करके ही जाऊंगा ऐसा नहीं है क्या आधा अधूरा डाउट रख के गया इट मीन्स द फर्स्ट लाइन कंटेन्स फाइव मतलब पहली लाइन में पांच और दूसरी लाइन में सेवन और तीसरी लाइन में क्या है फाइव सिलेबल्स होते हैं फाइव सिलेबल्स क्या होते हैं जैसे मैंने ये इसकी बात करी इसमें बात करता हूं सिलेबल्स की देखो इसको बोल के देखो इसको बोलोगे आप कुड राइट इसको बोलोगे क्या बोलोगे स्कार्सली बोल दो आप स्कार्सली स्ली बोलोगे इसको बोलोगे क्राई क्या बोलोगे क्राई यहां पर फोनेटिक काम करेगी आपकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक साउंड्स आपने जो सीखा है ना वो बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो आप और देखो दोस्तों बी अगर, अगर अपन बात करें अगर आप ग्रे जैसे कोटा यूनिवर्सिटी या राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप फर्स्ट ईयर कर रहे तो वहां पर आपका जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है अगर जैसे कई बच्चे कर भी रहे तो वहाँ पर भी फोनटिक्स आती है तो मैंने फोनटिक्स पढ़ाया वो सबके काम की है ठीक है ना ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड और रीट सबके काम की फोनेटिक्स मैंने बेसिक जो पढ़ाया है फोनेटिक्स का क्योंकि मैंने आपको बेसिक नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ही तो पढ़ाया है मैंने आपको प्रॉपर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेस स्ट्रेस वर्ड वगैरह कुछ पढ़ा ही नहीं इंटोनेशन वगैरह क्यों क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने आपको वहां तक पढ़ाया और आप वो उसको काम जरूर ले सकते हो सब जगह पर ठीक है अब बात करते हैं साहब कि मेरे इनको शब्दों को देखो आप कुड़ कुड में अगर देखा जाए तो बावल साउंड कितना है बावल साउंड कितना है एक क्या ऊ अगर अपन देखें स्कारी इस तो इसमें आ है और इसमें ई है तो दो हो गए इसके ऊपर बात करें क्राई क्राई को तो एक ही माना जाता है डिफ्थोंग को अलग अलग ये तो अलग अलग थे इसलिए एक नहीं मान सकते इसको अब देखिए ये जो है एक सिलेबल है ये क्या है एक सिलेबल है इसमें दो सिलेबल है इसमें एक सिलेबल है वीप की बात करें इसमें एक ही सिलेबल है क्योंकि बडी का साउंड है इसमें भी एक ही सिलेबल है इसमें भी एक ही सिलेबल है ठीक है अब देखो इसमें भी एक ही सिलेबल है सो योर में कितना सिलेबल है योर 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 एक ही है अच्छा चिमनीज बताओ कितनी है दो चिमनीज कितनी है दो इसके बाद कर रहे एक 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 ही है स्वीप एक है एंड एक है इन एक है सूट एक है एक है स्वीप एंड इन सूट स्लीप एक है तो ऐसा टोटल मिला करके इनमें क्या सेट होता है, है क्यू में फाइव सेवन फाइव का सेट होता है पांच सिलेबल्स ऊपर आते हैं पहली लाइन में सात सिलेबल्स दूसरी लाइन में आते हैं और पांच सिलेबल्स फिर तीसरी लाइन में आते हैं इस तरह से तीन लाइन का सेट होता है ये बोलो बात समझ में आ गई आप लोगों के दोस्तों अब चलते हैं अपन आगे अब बात करें ट्रिपलेट की ट्रिपलेट क्या होता है मैं आपको ट्रिपलेट के बारे में बड़े विचार तरीके से विचारशील तरीके से आप पढ़ेंगे कि ट्रिपलेट के अंदर थ्री राइम लाइन्स होती हैं। क्या होती है थ्री राइम्ड लाइंस होती हैं और जो प्रत्येक स्टैंड होती है और राइम राइम की राइम स्कीम क्या होती है तीनों की सेम होती है एक ये कहा जाता है जब अपन कोई सेट बना के लिखते हैं कोई सेट बना के लिखते हैं जैसे नॉर्मल अपन पॉइंट की राइम स्कीम कर रहे हैं तो कहते हैं कैपिटल में कि स्मॉल में लिखें तो मैक्सिमम कैपिटल में लिखना चाहिए लेकिन अगर अगर अपन बात करें कि वहां पर अपन को प्रॉपरली अगर किसी पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है तो जब कोई लाइन या कोई साउंड रिपीट हो रहा हो तो उसको तो कैपिटल में रिप्रेजेंट करो और जो स्मॉल जो नी रिपीट हो रहा हो तो उसको स्मॉल में रिप्रेजेंट कर दो अगर मैं बात करूं ये बार बार रिपीट हो रहा है तो अपन क्या करते हैं ए ए ए और आपको पता है अपन ने जब आ, साउंड पढ़े थे तो अपन ने राइम स्की बनाई थी तो बार बार रिपीट ही हो रही थी ए बी ए बी पर रिपीट हो रही थी इसलिए मैंने क्या किया कैपिटल बनाए थे वहां पर स्मॉल कब बनाते हैं स्मॉल जब बनाते हैं जब कोई राइम रिपीट नहीं हो जैसे कोई साउंड कोई जैसे मानो आप पढ़ जा रहे हो कि पहली लाइन का अंत ए मान लिया, आपने दूसरी लाइन का अंत ए मान लिया तीसरी लाइन का मतलब ए मान लिया चौथी लाइन बी आ गई और खत्म हो गया तो मतलब तीनों लाइन की लाइन का जो राइम स्कीम है वो तलाश में बीप ये तो तीन लाइन का हो गया और अगला हो गया बाउर तो मतलब तीन लाइन का तो सेट ए हो गया और चौथे लाइन का जो सेट है वो क्या हो गया आपका बी तो बी स्मॉल में आ जाएगा और ए ए ए तीनों क्या हो जाएंगी तीनों क्या हो जाएंगे कैपिटल हो जाएंगे मैं आप लोगों के एक बिल्कुल मोटिवेशन के लिए कोटेशन सुना करके अपनी क्लास को समाप्त करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आपकी दो तीन टाइप के और है, वो और देख लीजिए आप

मतलब पहली और तीसरी से हमने क्या कर दिया क्लोज कर दिया और बीच की जो राइम है वो अलग होगी उसको अपन क्या कहेंगे सिसिलियन टर्सेट कहेंगे। इसको अपन को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है अब बात करते हैं अपन ये एग्जाम में सेकंड ग्रेड में आया हुआ सवाल है सेकेंड ग्रेड सेकंड ग्रेड में आ गया ये भी क्या है एक प्रकार का ट्रिपलेट ही है, है। ट्रिपलेट है इसमें फाइव टर्सेट होते हैं मतलब पांच तीन तीन लाइन के स्टैंडार्ज होते हैं एक क्वार्टन होता है ठीक है ना क्या होता है एक चौथ एक चार लाइन का सेट होता है और इसके अंदर एक राइम स्कीम होती है कैसे जो आ, आपका जो मतलब पहली लाइन है फिर दूसरी लाइन है बीच की बी अलग आ रही है अभी अभी बताया था ना वो किस तरह का सेटअप आ गया था सिसिलियन टाइप का फिर ये जो है फिर एक अलग साउंड आएगा उसको अलग माने फिर इसका अलग साउंड निकलेगा इसमें से फिर इसमें आएगा अलग फिर इसमें अलग मानेंगे फिर इसमें अलग मतलब क्या है कि जो तीनों सेट है एक पांचों सेट एक दो तीन चार पांच ये पांचों जो तीन तीन लाइन के सेट का जो पहली पहली लाइन का जो साउंड है वो अलग होगा और ये जो पहली लाइन का जो पहला साउंड आ रहा है मतलब एक अलग ही तरीके से सेट की गई ये पॉइम होगी पहले लाउंड पहले लाइन में जो साउंड आ रहा है अंत तो में राइम स्कीम आ रही है वो राइम स्कीम सीधी जाकर कहाँ कहाँ मैच कर रही है दूसरे स्टैंड जाकर लास्ट लाइन आ रही है दूसरे टर्सेट की तीसरे चौथे सेट की लास्ट लाइन आ रही है और अपन का जो क्वाट्रेन है उस क्वाट्रेन की थर्ड थर्ड लाइन आ रही है तो कहने का मतलब बड़े बहुत 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 सेटअप के साथ बनाई गई ये पॉइंट होती है मतलब आसानी से नहीं निकाल सकते बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इरुडाइट लोग इसको बनाते हैं एरुडिट बिल्कुल टर्जर आइमा की अपन बात कर रहे हैं तो ये क्या है मोस्ट चैलेंजिंग टाइप्स ऑफ टर्सेट है इसमें यूजुअली एक आयंबिक पेंटामीटर होता है और राइम स्कीम क्या होती है ए बी ए बी सी बी और सी डी सी ये एक क्या है कॉम्प्लिकेटेड राइम स्कीम है जिसको बाइंड किया जाता है स्टैंडर्ड्स के या एक साथ बनाने के लिए क्योंकि देख लो आप बाइंड किया गया है ए बी ए फिर बी को देखो बी जो है दूसरे स्टेंजा की पहली और तीसरी लाइन में है फिर देखो सी जो है अगले स्टेंजा की पहली और तीसरी लाइन में है। तो इसमें क्या एम्बेजल्ड हो जाता है इस तरह की राइम स्कीम कौन लिखता था रॉबर्ट ब्राउनिंग का अगर आपने नाम सुना होगा माइलाज दचेज आपने देखा होगा तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इस तरह के एम्बेजल्ड जो टर्स है लिखने में बहुत ज्यादा स्किल्ड थे तो रोबर्ट ब्राउनिंग की अगर हम बात करें तो इस तरह के टर्जर लिखते थे वो बाकी का अपन राइम स्कीम्स के बारे में कल चर्चा करेंगे तो दोस्तों आज के लिए अपन की क्लास में हम यहीं पर देते हैं विराम फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में लेकिन उससे पहले आप मेरे जाते-जाते लाइन सुन के जाइए जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लहरों की तो फितरत ही है लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफान देखता है हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है लेकिन उससे पहले हमें आसमान छूके दिखाना है घोसला बनाने में यू मशगूल हो गए उड़ने को पंख उड़ने को पंख है हम ये भी भूल गए ना रुको तब तक ना हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक दोस्तों आपको चलना जब तक है जब तक आपके लक्ष्य प्राप्त हो जाए और लक्ष्य कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपके लक्ष्य निश्चित तौर से प्राप्त होंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में